खा रही है। तू मेरे साथ चल, जल्दी। अरे लेकिन कहाँ ले जा रही है? आंटी। हाँ, ये क्या हो बेटी? आंटी मुझे आपकी मदद चाहिए आंटी। क्यों? अगर वो गुंडा यहाँ आए तो उसे रिक्वेस्ट करना कि वो अनिल को ना मारे। मैं किसी को नहीं मना कर सकती। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, अनिल मेरे लिए मर गया है। प्लीज ऐसा मत बोलिए आंटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आने वाले एक महीने में उसको मारने का प्लान बनाया है उन गुंडों ने। मारने दो, माँ होकर मुझे दुख नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? मैं इस वक्त सब बताने की स्थिति में नहीं हूँ आंटी। प्यार करती है उसे? अगर वाकई में प्यार करती है तो तू अपने भविष्य को बिगाड़ने पे तुली हुई है। मेरा बेटा गलत इंसान है, उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर बेटी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? गलती तो इंसान से ही होती है ना, आप उसे माफ नहीं कर अगर सकती? उसने मेरा सुकून छीना होता तो माफ करती थी, लेकिन उसने मेरा कुमकुम मुझसे छीना है तो कैसे माफ कर दूं उसे? मैं मानती हूँ आंटी, लेकिन उसके लिए ना सही, लेकिन आंटी मेरे लिए, मेरा कुमकुम बचाने के लिए तो मेरी हेल्प कीजिए। दिव्या, ये तो क्या बोल रही है? आंटी मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? दिव्या तू अभी बच्ची है। प्लीज, मैं समझने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको चलना है तो चलिए, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ मेरी बात मानो, दिव्या के साथ चलो। आंटी प्लीज सुनिए, आपका बेटा मेरे बेटे को मारने का प्लान कर रहा है, आप कैसे भी अपने बेटे को समझाइए, क्योंकि हमारे आगे पीछे और कोई नहीं। सुनो बेटी, बच्चों को जन्म देकर जिंदगी में क्या क्या सहना नहीं पड़ता है। ये मेरी बेटी सुवर्णा है। जिस तरह से तुम मेरे पास आई हो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह वहाँ जाती तो इसका सुहाग गुजरने से बच जाता। हाँ बेटी, अगर ये बच्चे अपनी माँ की बात सुनते तो इस दुनिया में गुंडागर्दी कभी नहीं होती। अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम रोओगी और मैं भी तुम्हारे साथ आंसू बहाऊंगी। अगर मेरा बेटा मर गया तो ये नालायक बच्चे कब सुधरेंगे पता नहीं। आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, खुद तो शमशान में जाएंगे और अपने घर वालों को भी शमशान में लेकर जाएंगे। उनकी तुम आश छोड़ दो। जब कोई बेटा अपने हाथ में तलवार उठा ले तो उसकी माँ को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये सोच लेना चाहिए कि उसका बेटा मर गया। मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन इस बच्ची ने मुझे मजबूर किया यहाँ पर आने के लिए। कौन है तू? उसकी बीवी है क्या? होने वाली बीवी हूँ। सती सावित्री बनकर जीना। अगर तुम्हें पति चाहिए तो हर दिन तुम्हें यमराज से लड़ाई करनी होगी। आंटी चलो यहाँ से। अच्छा दीदी चलते हैं। संभल कर जाना। क्या डार्लिंग, डोंकी डॉन अनिल जी ने चूड़ीदार कमीज पहनाकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भेजा है क्या? आज तक वो हमारे साथ उछल कूद कर रहा था, लगता है उसमें जीने की तमन्ना जाग गई है। बस कीजिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये WWF का खेल नहीं है कि जब मन हुआ टीवी बंद कर दिया है, या वो रहेगा या हम रहेंगे, समझी? अनिल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बस से आना है, खुद नहीं निपट पा रहा तो तुझे भेज दिया है। अनिल ने हमको नहीं भेजा, हम अपनी मर्जी से। ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब तू आए कोई भी आए, कोई फायदा नहीं होने वाला, अपन उसको छोड़ेंगे नहीं। अब तो उसका आखिरी टाइम आ गया है। उसको जाके बोल दे डार्लिंग, धागा रेडी है, गोनी रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस उसकी पैकिंग बाकी है डार्लिंग। और तू अपने लिए पहले से एक सफेद साड़ी खरीद ला। ऐसे क्या देख रही है, इसका क्या मतलब है डार्लिंग? मैं इतनी देर से इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी कि तुम लोग उसको मार दोगे, क्योंकि उसके हाथों तुम्हारा खुन्ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन तुम्हारा टाइम ही खराब चल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ मारो, चलो आंटी। आओ डार्लिंग, हमारा ही टाइम खराब है, जो गाली देता है उसे देने दो। तुम वहाँ क्यों गई थी? मेरी माँ और बहन को साथ लेकर के? तो क्या करती मैं क्या करती बताओ ना। वो लोग तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुके थे और ये जानने के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाई हूँ। मौत आने से पहले मैं नहीं मरूंगा। अपने लिए ना सही, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें चाहते हैं कम से कम उनके लिए तो जियो। क्यों जियूं मैं उनके लिए? हाँ ये सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा अनिल, प्लीज समझने की कोशिश करो। जानते थे तुम्हारे बाहर आते ही तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा तो फिर बाहर क्यों आए? प्रिया आई थी उसको देखना था, एनकाउंटर से मैं नहीं डरता। तुम प्रिया को अब भी भूल नहीं पाए हो ना? वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे दिल में बस गई है। मेरे साथ ही ऐसा होना था, सबने कहा मुझे और मेरे दिल ने भी मुझसे कहा कि दिव्या तू गलत कर रही है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें रोज यहाँ देखने आती हूँ, तुमने इसका बहुत अच्छा सिला दिया, थैंक्स।
हे दिव्या, अरे मेरी बात तो सुन। बस कर यार, वो दिव्या उसको जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ वहाँ जाकर आई। वो पुलिस वालों के सामने, गुंडों के सामने तेरे लिए हाथ जोड़ रही है और तू है कि उसे हर्ट कर रहा है यार। मैंने उसे कहाँ हर्ट किया यार, तो ये सब करना जरूरी था क्या? अरे अब तक तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला है छोटे। ऐसा करने से उसे खुशी मिलती, तू क्यों इतना परेशान होता है? और तू क्या प्रिया के पीछे नहीं भागता? मेरे हिसाब से तो तुझे दिव्या से प्यार करना चाहिए, प्रिया से नहीं। तेरे लिए वही अच्छा होगा। एक से प्यार किया पर बता नहीं पाया, उसके पीछे भाग भाग कर साला आधा पागल हो गया हूँ मैं। और अब इसके पीछे भागूंगा तो पता नहीं कितना वक्त और लगेगा। दिव्या को कह दे, वो मान जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ यार। दिव्या बहुत अच्छी लड़की है और ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझ पर मरती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ उसकी गोद में अपना सर रख के पूरी जिंदगी गुजार दूँ। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कहीं उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए मैं उसे कभी कह भी नहीं पाया। मैं उससे हमेशा दूरी बना के रखता हूँ ताकि वो खुश रहे। तुझे क्या लगता है, मैं समझता नहीं? मैं सब समझता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। अगर प्रिया आ गई तो? अगर वो आ गई तो वापस जाएगी। तो क्या उस समय तू उसे प्रपोज नहीं करेगा? लड़कियों को प्रपोज करना कोई आसान बात नहीं है यार, उसके लिए सीने में एक दिल होना चाहिए। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब थे तब तो कर नहीं पाया, अब जब वो मुझसे इतनी दूर चली गई है तो क्या कर पाऊंगा। अब लाइफ का ये चैप्टर क्लोज। तो फिर दिव्या का क्या होगा? इसी तरह अवॉइड करता रहूंगा, वो भी एक दिन थक के खामोश हो जाएगी और एक दिन उसकी माँ किसी अच्छे लड़के को देख के उसकी शादी करवा देगी। और मैं उस पागल चंदू का चैप्टर क्लोज करके उस पीएम का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा और फिर माँ के आगे हाथ जोड़कर निम्मू की शादी करवा दूंगा। और उसके बाद फ्री बर्ड होकर के भगवान से कहूंगा कि मेरे नसीब में जो भी है मैं वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पागल हो गया है तू। प्रिया, प्रिया। हाँ। अनिल सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करता था बल्कि पूजा करता था। वो सब कभी तुम्हें नजर नहीं आया, तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती, पहले ये बताओ कि वो है कहाँ। उसे पता चला था कि एक गुंडा तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकने वाला है, इसलिए उसका खून करके जेल में बंद है। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम एक ही हो जिसके बात वो नहीं टालता। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कभी ना नहीं कहेगा। तुम्हें उसे समझाओ कि ये पाप की दुनिया वो छोड़ दे। प्लीज उसे समझाओ ना प्रिया, प्लीज। ये गुंडागर्दी वो छोड़ दे, प्लीज। ठीक है, मैं उसे इस दलदल से निकालने की जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन फिर उसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। ठीक है प्रिया, किसी के कहने पर वो मुझे प्यार करे, वो प्यार मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे ना मिले तो कोई गम नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा भी कम नहीं है, उस दिन चंदू को उड़ाने गया है तो साला ये मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और आज मिला तो बैंगलोर जेल में। अच्छा ये साला हमारे से पहले यहाँ पहुँच गया। ए, क्या ग्रुप बना के बैठे हो? क्या थानेदार, काय को डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ बहुत बड़ा सीएम है ना। सुन रहे, हमारे लिए तो यही सीएम है और यही पीएम है। ठीक है अपने पीएम को बाहर आने को बोलो, उसकी बेल हो गई है। बेल क्या भाई, उस दिन तो बोल रहे थे कि अभी मामला बहुत गर्म है इसलिए अभी कोई बाहर नहीं आएगा, एक महीने तक अंधेरी रहेगा। अनिल, बाहर जरूर कोई गेम खेल रहा है। hey, तुझे क्या लगता है कि मैं उसका फेंका हुआ बिस्किट खाने वाला कुत्ता हूँ? साला करोड़ रुपए भी दे तो भी नहीं जाने वाला, समझा क्या? hey, फटाफट उसका बाहर भेजो। अरे जाना। अनिल जल्दी बाहर आना। हाँ तो बेल लेके आओ ना, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है तो कोर्ट का बेल ऑर्डर लेके आओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मारो और यहीं पे सजा दो। हम लोगों को दूसरा काम नहीं है क्या? हम लोगों ने बेल नहीं करवाई, किसी लड़की ने करवाई है। क्या लड़की? हाँ वो कोई फिल्म एक्ट्रेस है, नाम है प्रिया। प्रिया ही है? ठीक है मैं अभी आता हूँ। भाई लड़की का नाम सुनते ही भाई निकल गया बाहर, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होगा। वो लड़की अगर इसे चौथे माले से कूदने के लिए कहेगी ना तो ये बिना सोचे ही वहाँ से कूद जाएगा। चुप रह, ये बाहर जाएगा तो क्या होगा इसका, पता नहीं है कैसे आदमी से पला पड़ा है। अनिल, अनिल, होम मिनिस्टर को जब पता चला कि तुम जेल से बाहर आ रहे हो तो उन्होंने तुम्हारे ग्रुप के सारे मोबाइल सीज कर दिए। ऐसे वक्त में सारे लड़के बहुत टेंशन में, कुछ करो अनिल। जाके कह दो मुझे कुछ नहीं होने वाला। अनिल तो चले। नहीं प्रिया, इस वक्त मेरे दिमाग में एक नहीं कई बातें घूम रही हैं, मेरी वजह से तुम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, जाओ यहाँ से। अनिल तुम, मैंने कहा ना तुम लोग जाओ यहाँ से। अनिल मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जहाँ ठहरी हो मैं वहाँ की तुमसे बात करूँगा। पागलों जैसे बातें मत करो अनिल, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए बेल पर छुड़ा कर नहीं लाए हैं, तुम चलते हो या नहीं? लेकिन दिव्या मेरी बात तो,